हाय गाइस, सन विद द साइड फ्रॉम वेजी भाजी और इंदौरी मस्ती के संडे स्पेशल्स के इस एपिसोड में आ जाओ। हम लोग अभी आए हैं आपको दाल बाफले दिखाने बड़ा सराफा में। वो देख रहे हो होटल राजहंस दूसरी मंजिल पर। भाई बड़ा सराफा में बड़े बड़े बाफले देते हैं। वीडियो पर लाइक कर दो और कमेंट करो आपने कभी बाफला खाया है कि नहीं, येस और नो में बताना। आज मैं पहली बार बाफले खाऊंगा। तो ये बाफले बनने का प्रोसेस चालू हो रहा है? प्रोसेस चालू हो रहा है। ये गेहूं का आटा होता है? गेहूं का आटा। अच्छा, ये आटा बिल्कुल बड़ा वाला है जो इसका अलग से मिल नहीं पीता। थोड़ा दरदरा रहता है। दरदरा। तीन बोरी, एक बोरी कितनी होती है? 25 किलो। 25 75 किलो बन जाता है। ये आज के दिन का काम है? ये आज बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। अब एक बाफला भी तो इतना बड़ा होता है ना। अब ये इसके मसाले डालना है। इसका मसाला हम कंप्लीट करके रखते हैं। इसके मसालों में क्या क्या रहता है? इसके मसालों में कुछ मसाले होम मेड रहते हैं। बहुत खूबसूरत। ये सारा आटा यही लगाएंगे? इतना बड़ा पूरा आटा यही लगाएंगे। बड़ी बहुत शानदार। पूरा मिलाएंगे इसको, पूरा एक जैसा मिला के पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बोरी में एक भर के मसाले का मसाले वो। अच्छा, अब ये आटा गूंदा जाएगा, फिर वो उधर बॉइलिंग चल रही है, चल रहा है बट्टा, चल रहा है वो चालू है। वो बस ये आटा लगाएगा, वो पानी अच्छा उबल जाएगा। उबलने के बाद ये बाफले बना बना के डालने का काम चालू। एक से सवा घंटा इधर लगेगा, फिर इसको निकाल के सुखाया जाएगा। सुखाया जाएगा, फिर सुखा के फिर इसको उधर जाएगा। हाँ, फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा। फिर सारा एकजुट कर रहे हैं मसाला और पूरा कंप्लीट इसको मिला रहे हैं पूरा। हाँ, हल्दी वगैरह रहती होगी ना, इसी से रंग वंग भी आ जाता है बहुत अच्छा। कंप्लीट वो तो पूरा हम कंप्लीट करके ही रखते हैं एक बार। हाँ, पहाड़ बना दिया आटा गूंदने के लिए। ये क्या प्रोसेस है? दही और पानी। अच्छा, वो उसको बनाने के लिए आटा लगाने के लिए दही और पानी आटा लगेगा। सारा फ्लेवरफुल एकदम मस्त प्रोसेस हो जाएगा। आटा आटा गूंदने में आधा घंटा लग जाता होगा? 20 मिनट में आटा खत्म कर दे। बड़े सालों से बना रहे होंगे तभी इतना वो सुलझे तरीके से बना रहे। बंदा तो कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा करके अभी जाएगा? अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्टॉक होता जाएगा, जाता जाएगा। अभी इसमें पहले आटा लग के पूरा कंप्लीट होगा। अच्छा, पूरा ही कंप्लीट होगा, फिर ये वापस परात में आएगा। अच्छा, वापस परात में, वापस परात में आएगा, उसके बाद इसमें छोड़ूंगा। मेरे को ये देखना पेड़े कैसे बनाते हैं आप। भाई बहुत देर लगेगा काम है। टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू मेक इतना बड़ा आटा। अब ये देख रहे हो ये लास्ट स्टेप है। वो पूरा इतना बड़ा पहाड़ था ना, वो एक एक करके एक एक करके। वो मांझी मूवी नहीं देखी? एक बारी में थोड़ी पूरा पहाड़ काट लिया था उसने, धीरे 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 करके काटा था। वो देखो वहाँ पे वो आटा गया हुआ है। अब ये लास्ट स्टेप, ये भी इसका भी एक स्टेप और बच जाएगा। अब ये सारा का सारा जो आटा इधर है ना, ये वापस इधर इसके अंदर आएगा। लो, इतना डिफिकल्ट है। तीन बोरी 75 किलो आटे की पहले उधर गई, फिर वापस इधर आई। कच्चा पक्का आटा गूंदा था, अभी इसको एकदम स्मूथन आउट कर देंगे। भाई साहब ये मम्मी वाली टेक्निक है, पता है? मम्मी भी ऐसे ही करती है, आटे को हल्का रफली गूंद के रख देती है, बाद वो 5 मिनट उसको छोड़ के वो एकदम स्मूथ हो जाता है। मम्मी कहती है तू ऐसे ही गूंदते रहता है। ये देसी टेक्निक है। अब ये चालू हो गए वाफले बनने? बिल्कुल, वाफले बनना अब चालू हो गए। आटा भी लग गया अपना, सारा आटा लग गया, वाफले बनने चालू हो गए। ये देखो, एक परिवार के लिए एक बार का मील होता है ये, जितना इनका एक वाफले का साइज है। अभी ये बोलने जा रहा है तो ये थोड़ा और फूलेगा ना? ये बिल्कुल फूलेगा, पानी में आने के बाद और फूलेगा, थोड़ा और फूलेगा ये। इसलिए दरदरा चक्की रखी है ना, मोटा आटा रखा है। ये मोटा आटा ही होता है, ये बाफले के अंदर बाफला और बाटी में भी थोड़ा मिक्स होता है। बाटी में भी थोड़ा होता है ये मोटा होता। आटा थोड़ा पानी पिएगा, बारीक आटा होता है तो फिर उसका ज्यादा नहीं फूलेगा, फूल वो भी जाएगा। बाकी जो बाफला खाने में जो आटा बनता है वो जो उसका आटा अलग से ही बनता है। अभी 1 घंटे के आसपास बॉइल्ड होगा और उसके बाद आधा घंटा ड्राई होगा।
ये देखो बापले बॉईल होके इधर आ रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये फूल के बिल्कुल ऊपर आएगा, सारी मैथ साइंस इधर ही आ जाएगी। किसान ये होती है कि ये बापला ये डलने के बाद हम इसको उगा लेंगे, इतना उगलेगा ये कि सारे बापले हम फल्टा चलाने के बाद सारे बापले अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अभी एक सब चिपके हुए ना, सारे अलग अलग हो जाएंगे, सारे अलग अलग हो। अच्छा, तो इसकी पकने की पहचान ये है कि जब सारे अलग अलग हो गए तब पक गए, कंप्लीट हो गए। अगर आपने घर में रोटी बनाई ना तो आपकी रोटी आधे एक किलो की बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि आदत ही वो है ना, आदत ही इतना बड़ा वो लगाने की, पेड़ा लगाने की। अब इन्होंने बताया इसकी पकने की पहचान ये है कि ये एक बार एक डेढ़ घंटे बाद सारे ऊपर आ जाएंगे, और सारे अभी जैसे देख रहे हो ना ये सब एकजुट हो रखे हैं, ये सब अलग 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 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी कम से कम 40 मिनट तो हो गए हम लोगों को, डेढ़ घंटे का आगे का प्रोसेस, और उसके आगे आधे घंटे का और प्रोसेस है, और उसके आगे आधे घंटे का और प्रोसेस है। तो ये सिर्फ बाफले बनने का प्रोसेस है। साइड बाय साइड यहाँ पे ना आगे चल के आपको दिखाएंगे जो इनकी यहाँ की फेमस दाल है, जो इनकी यहाँ के कड़ी है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बाफले के साथ मिलते हैं। टोटल 9 आइटम मिलते हैं सर, बिल्कुल मिला के पूरे टोटल 9 आइटम। सारी के सारी अभी उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है भाई, बहुत 20-25 लोग मिलकर सुबह सुबह 3 घंटे की मेहनत करते हैं तभी जाके ये खुलता है। राजहंस 11 बजे, इतनी बड़ी परात थी, सारी खाली हो गई, एक आध बाफला बचे, ये जो पूरा खाली था ये पूरा भर गया। डेढ़ घंटे बाद मुलाकात होगी, बिल्कुल डेढ़ घंटे बाद आगे दिखाइएगा। किचन में देखते हैं क्या अगर कुछ हो रहा है एक्साइटिंग। ये चावल की तैयारी चल रही है, पुलाव बन रहा होगा शायद ये, पुलाव बने, और वो दाल की तैयारी, वो आपके फेमस दाल। ये कितने लीटर का है? 15-20 लीटर का होगा, 25 लीटर वाला। ये प्रोसेस चलते रहेगा, इधर नमक पड़ रहा है, बैचेस में काम हो रहा है। अभी इसका फिर पुलाव का तड़का बनेगा। चावल की प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पे इनकी फेमस दाल बन रही है, तुअर की दाल। घर में मम्मी काटती है धनिया, बस ऐसे थोड़ा सा बूंद बूंद की तरह। आप तो धनिया ऐसे काट रहे हो जैसे घर में साग कटता है। 5-1 किलो तो आराम से धनिया होगा, 25 किलो धनिया है। अच्छा, वो हाँ पीछे भी तो है कट के, 25 किलो धनिया धनिया निकलता है रोज का। बाप रे। अच्छा, बॉइल होने के बाद ये सिक रहा है, सिक रहा है, सिकने के बाद ये घी में वापस जाएगा, जिसके अंदर फ्राई होगा वापस। अच्छा, घी के अंदर फ्राई होने के बाद ये सर्व होगा। वो बॉईल होके रखा हुआ है, वो बॉईल होके रखा हुआ है। हाँ, ये मतलब पहले आटा लिया, उसमें आपने अपने मसाले डाले खुद के पीसे हुए, हाँ। उनको ये बना के बॉईल करा, बॉईल करके इधर अभी ये रखा हुआ है सूखने के लिए, रखा हुआ सूखने के लिए रखा हुआ है। सूखने के बाद ये इसमें डाले और सीखने के लिए इसमें गर्म घी के अंदर रहेगा, बिल्कुल गर्म घी के अंदर इसका घी अंदर तक जाता है पूरा। अच्छा, तो वो एक एक बाइट में घी आएगा। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस कितना देर लगता है? ये पूरा प्रोसेस डेढ़ घंटे का। तो सुबह कितने बजे चालू होता है? वे 8 बजे से इसके कारीगर आ जाते हैं, ये 11 बजे ऑन होता है। अच्छा, 11 बजे ऑन होता है आपका कार्यक्रम, 8 बजे चालू होता है, 3 घंटा लगता है सारा ये सब सेटअप, सारे सेटअप बन देने। ये कड़ी है, कड़ी है, कड़ी कड़ी ये अब तैयार हुई है, अभी उकल रही है, कड़ी तो कड़ते रहती है। हाँ, ये उकलती ही रहेगी दिन भर। साथ मतलब क्या क्या रहता है बाफले के साथ में? कड़ी, बाफले के साथ हमारे यहाँ 9 आइटम होते हैं। कितनी? 9 आइटम, 9 आइटम्स होते हैं। अच्छा, एक थाली में 2.5 बाफला आता है। अच्छा, 2 लड्डू, तभी तो इतनी भारी है वो, इतना बड़ा बाफला एक कड़ी के साथ थोड़ी निपटेगा, सारी चीजें लगेगी, वो तो सारी सारी चीजें लगेगी। दाल, हाँ दाल बाफला, नाम ही दाल बाफला है। ये है भाई राजहंस की मशहूर दाल। हाँ जी, ये मसूर दाल है जो हमारे यहाँ खुद हम हाथ से इसको मसाले पूरे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, पूरे ही मसाले हाथ से प्रिपेयर होते हैं इसके। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ खाने में आता है बाफला? मेन चीज़ ही बाफले के साथ दाल ही होता है। हाँ, बाफले के साथ दाल ही होता है ओनली। हाँ, तभी तो दाल बाफला होता है। दाल बाफला और दाल बाटी में क्या फ़र्क रहता है? बाफला बॉइल्ड होकर बनता है, बाटी डायरेक्ट बनती है। मालवा का दाल बाफला लड्डू, और राजस्थान की दाल बाटी, दाल बाटी। हाँ, और बिहार चले जाओ तो लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। तीनों चीज़ों का आकार सेम है पर सारा मेकिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, मेकिंग अलग है, अलग है। इधर इधर ये बॉइल होता है पहले, फिर वो सिकता है, बॉइल्ड होकर सिकता है, फिर घी में डालता है, घी में डालता है। बढ़िया आलू लग रहा है, ये पंजाबी आलू बनता है जो मसालेदार होता है, बाफले के साथ यही खाया जाता है। अच्छा, तो जैन अलग से बनता है? जैन अलग से ही, पूरा प्योर जैन बनता है, उसमें आलू रहता है,
इसमें आलू देता है, बाकी बहुत से कस्टमर अदरक लहसुन नहीं रहता, अदरक लहसुन विदाउट गार्लिक होता है, कस्टम बन जाता है, आप जैसे चाहो पैकिंग में चाहो खाने चाहो, आलू नहीं चाहिए, किसी को प्योर जैन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, की जगह डबल फ्लाव हो जाता है, डबल फ्लाव हो जाता है। क्या है कि गुजरात से बहुत से हमारे पास पार्टियां होती है तो उनके लिए हम जैन सब्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसी जिसकी वो है डिमांड है। फाफड़े को खाने के लिए कितने लोग चाहिए भाई? फाफड़े को खाने के लिए कम से कम 3 से 4 लोग, या फिर एक मुश्त अंडा एक, अब ये आपको तय करना है। पैकिंग बंदे ने करवा ली, घर पे आराम से बैठ के खा रहा है 2-2.5 घंटे, इधर तो रेस्टोरेंट में आता बंदे को रश होता है, आधे घंटे में निपटाओ, ये चीज ऐसी है तसल्ली से खाने वाली है। ये पैकिंग की डिशेज है सारी, नया एक और आउटलेट डेला पलासे। अच्छा, आप अभी है वो बड़ा सराफे में, बड़ा सराफे में ये, अब इसमें ये पैकिंग का दिखा रहे हो आप, क्या क्या चलता है पैकिंग में? हमारे यहाँ 2 डोने पड़े, तो हम लगाते हैं लड्डू, लड्डू सैलेड छाछ पूरी चटनी, सही है, दोनों एक साथ एक जुड़ी हुई और दोनों अलग अलग भी है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था पंजाबी आलू, आलू पड़ा है इसके अंदर, पुलाव पड़ता है, अब इसके अंदर रखेंगे दाल जो सबसे मेन चीज होती है, कड़ी का कड़ी। बाफले की जगह बच गई, अब बाफले की जगह ये पूरा डब्बा ऐसे बना रखा है कि ये पूरी एक फैमिली निपटा दे, प्रॉपर उसी हिसाब से बक्सा भी बना हुआ है, प्रॉपर उसी हिसाब से पैकिंग भी है। ये 250 पर प्लेट टेक अवे में है, अच्छा, प्लस होम डिलीवरी में 280, बहुत सही है यार ये तो। 25 ईयर से पूरे इंदौर के अंदर होम डिलीवरी हमारी सबसे पहले, 25 साल से डिलीवरी चल रही है होम डिलीवरी पूरे इंदौर में, कहीं भी इंदौर में। ये लड्डू रवे का बनता है, किसका? रवे का। ये जो बाफले ऊपर देखे थे वही बाफले हैं, ये सीख के तैयार हो चुका है, कसरत हो जाएगी इससे तो। इसका वजन होगा आराम से 700 ग्राम। ये वही पकड़ो भाई आप, क्या बढ़िया है यार वो अंदर, अच्छा आप समझा अंदर तक घी चले जाएगा, गरम गरम घी में, तो मतलब 3 स्टेप का प्रोसेस है ये, 3 स्टेप का, पहले बॉइल हुआ, फिर सिका, सिका और अब फ्राई होगा, अब फ्राई होगा, तीनों कार्यक्रम कर दिया आपने। इतने बड़े बाफले नहीं मिले इससे, इतने बड़े बाफले पूरे इंदौर में आपको पूरे मालवा के अंदर नहीं मिले, ये आपकी खासियत है, मतलब बाफले ऐसे बनते हैं पर इतने बड़े सिर्फ राजहंस पे बनते हैं, काफ़ी सही प्रोसेस है। बॉईल होने के बाद ये सिका, और सिकने के बाद सारा बाफलाना जो है ना मस्त एकदम, घी इसके अंदर तो घी का फ्लेवर ही इतना ज़्यादा आएगा, एक तरीके से बोलो दाल रोटी खाने का नया तरीका, दाल रोटी खाने का नया, मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत सालों से चला आ रहा है। एक दिन में कितने बाफले बनते होंगे? उसका तो अंदाजा आजकल हमने भी नहीं लगाया इतने साल के अंदर। अच्छा, किचन में ये रहता ना कि हाथ ना रुके तो सही काम चलता है, पूरा इसके उसमें पूरा ही में ही घी चलेगी, हाँ पूरे में उसमें घी चलेगी, घी चलेगा ना, इधर बाफले का घी पड़ा, इधर पैकिंग की पन्नी आ गई। अच्छा, ये पैकिंग के बाफले, ये पैकिंग हो रहा है, तो सोचो बाफले का जो घी है वो आपके मसालों के साथ ऐसा मिला है ना, वो एक है, ये पैकिंग के लिए चली भर रहा है ढाई बाफले, सही है। अब हम लोगों ने प्रोसेस पूरा देख ही लिया, अब खाए थोड़ा, बिल्कुल ऐसे इतना सारा खाना देख के आपकी तो भूख बढ़ गई होगी, मेरी भी भूख बढ़ गई है। वो टिफिन सिस्टम चलता है ना जैसे, वैसे ही थाली सिस्टम है दाल बाफले जो, ये पूरे दिन का सिस्टम है, पूरे दिन का, और आदमी क्या है कि इसको खाने का मौसम ही अभी है, ठंड और बारिश में ही इसका मौसम है, बहुत मस्त है, सबका काम हो गया सिस्टमेटिक। अब बस इसमें बच गई बाफले 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 बाफले, बस यहाँ पे तो इनको बाफले बोलने चाहिए, बाफला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ये जो इतने सारे पैक हुए हैं ये कब आए कब गए पता नहीं चलेगा। ये अभी हमारा जैसे ही ऑनलाइन और हमारी पर्सनल डिलीवरी चालू होगी तो ये मालूम नहीं पड़ेगा, वापस इसके बाद लाड लगना चालू हो जाए, ये सारे लगते रहेंगे लगते रहेंगे। अब खिला दो यार, बहुत भूख लग रही है, देख बंदा आया उसको 2 मिनट में बाफला रेडी मिला, रेडी ही मिलेगा पूरा, प्रॉपर रेडी मिलेगा, प्रॉपर रेडी, बस उठा के उसको ले जाना, तो नहीं बताना पीछे कितनी मेहनत की है। दाल बाफले ना देखे बुरे, अभी खाने बाकी है, आपसे ना पहले समझने आए हैं इतने बड़े दाल बाफले कब से हैं? इसको 55 साल से ऊपर हो गए, 55 साल से यही साइज है, यही साइज, तो इसके पीछे क्या कहानी है, मतलब कि मतलब ये चीज कहीं नहीं देखने मिली? नहीं, इंदौर में स्टार्ट भी हम नहीं करा था। अच्छा, इसके अलावा वो बाद में जितने भी आए सब वो इंदौर में हमारे बाद ही आए। अच्छा, सबसे पहला नाम ही हमारा है अजय जैन। अजय जी, आप दूसरी पीढ़ी है? मैं, हाँ दूसरी पीढ़ी। अच्छा, तो मेरे फादर ने स्टार्ट करा था। हाँ,
काफी लंबा सफर है अभी, कुछ भी बच जाता है उनका। पर यार आपका ना दांत देनी पड़ेगी यार, 50 साल पहले आपने सोचा इतने बड़े वाफले, और ये बता रहे हैं कि 25 साल से आपकी डिलीवरी चली रही है जोमेटो स्विगी से, पहले आपका पूरा इंदौर में, पूरे इंदौर में सबसे पहले मैंने करी थी। वाफले को सबसे ज्यादा मजे किसके साथ आते हैं खाने में? मतलब वैसे तो दाल आलू कड़ी सब मिलाने का है, सब मिलाने का है, क्या होता है आदमी वो से दाल से खा लेते हैं लेकिन वो मजा नहीं आता है। ये कड़ी का मजा अलग आएगा, इसके साथ सब्जी आती है वो अलग, और जो दो प्रकार की चटनी आती है वो इन सबसे ज्यादा भारी है। चलिए अब इसको एंजॉय करेंगे, थैंक यू सो मच, खाना खाते जाइएगा। सबसे आखिर में छाछ पी जाओ, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा। फिर चलो पूरा दिन शुरुआत करो अपना, बिल्कुल आप खाइएगा, खाइएगा। चलिए आइए खिलाते हैं आपको, दिखाते हैं जायका यहाँ का, किधर किधर क्या क्या पड़ेगा, प्याज नींबू चटनी जो हमारे यहाँ खुद बनाते हैं कारीगर। ये रवा के लड्डू, टेंशन ना लो, कोशिश पूरी करूंगा खाने की। आगे वाफले, बिल्कुल ये वाफले आ गए, ये मेन चीज है ना, जो बनाने का तरीका होता है वो प्रॉपर हम कस्टमर को बताते हैं। अच्छा, ये वाफला पूरा मेश किया जाता है, चूरा ही चूरा किया जाता है इसका, पर इसको मजा हाथ से ही खाने में आएगा, इसको खाने का मजा ही हाथ से ही है। एक भाग में पड़ेगा आलू, अच्छा तीनों मिक्स रहेगा उसमें, हम दोनों जो हमारे यहाँ की चटनी मेन डाली है, खट्टा तीखा सब रहेगा सारे आइटम। अभी वो क्या घी क्या आटा क्या दाल सब एक हो गया, सब एक हो गया। ओके आइए खाते हैं राजन्स का फेमस दाल वाफला, और जो लहसुन की चटनी का तीखा आ रहा है ना, ओए होए क्या प्यार से आपने लगा के दिया ना थाली। अभी ये जो है ना, ये सिर्फ शूट के लिए एक छोटी थाली लगा के दी है इन्होंने, वरना ये जो है इसका तीन गुना तो रहेगा, तीन गुना रहेगा एक प्लेट में, ये सिर्फ इन्होंने लगा के दिए शूट के लिए कि थोड़ा कम सा रहे। भाई जो आलू और दाल वो आप ना इसको अलग नहीं कर सकते, सब एकजुट हो गया, मस्त आ गया वाफला, घी से ना एकदम लथपथ हो गया आलू, और जो ऐसा लग रहा है मैं आलू दाल वाफला हो रहा है मेरे दिमाग के साथ ना, केमिकल लोचा हो रहा है दिमाग में, सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब सब समझ आ रहा है 50 साल से कैसे टिके हुए आप, 150 साल और टिक जाएंगे, 150 साल ऐसा खिलाते रहो पर चलते रहेगा कार्यक्रम। आप एक बार जाते जाते ये बता दो, इसको आप बोल रहे थे ना कड़ी के साथ खाना है, आपको एक हाथ में रखना है ये पकड़ो, एक हाथ में चम्मच, पहले लड्डू खाओ आप, फिर कड़ी खाओ, पहले फिर कड़ी पियो आप, हल्की खट्टी हल्की तीखी कड़ी और मीठा लड्डू, ऐसे होती है पूरी मील कंप्लीट हमारी राजन्स के दाल वाफला की इंदौर में। सूजी के लड्डू और कड़ी का जो मिश्रण बनाना है वो बस मेरे लिए ही बना है और आप लोगों के लिए ही बना है, आपको इंदौर की टिकट कटवानी पड़ेगी। इंदौरी मस्ती में जो भी आपको खाने के जायके दिखा रहे हैं ना, एकदम ओपी अप्रूव्ड है भाई, सारे इंदौर के लोकल से वहीं पे जाके खाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर संडे इंदौरी मस्ती आती है आपको एकदम फुल ऑन मस्ती करवाती है इंदौरी मस्ती। आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।